जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मावड़ी के व्लॉग्स में। आज पहला नवरात्र है, तो आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, नवरात्र के हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में शुभता आए, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, ये प्रार्थना करती हूँ मैं माता रानी से। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरा सुबह वाला सारा काम, पाठ पूजा जो भी मैंने करनी है सब कुछ हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर माता रानी के दर्शन करने। और वैसे भी नवरात्र हैं तो मंदिर में जाना अच्छी बात है, लोग तो रोज़ जाते, तो मैंने सोचा चलो आज मैं हो आती हूँ मंदिर में, दर्शन कराती हूँ माता के। तो ये बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल, इनको मैंने स्नान करा के इनको ड्रेस पहना दी है सुंदर सी, और इनकी जो ड्रेस है ना बहुत हैवी है, ये तो फूल वूल इतने चढ़ा दिए, ड्रेस दिख ही नहीं पा रही है। ये मेरे जन्माष्टमी को पहनाई थी, तो यह सिंहासन इनका छोटा है, उसमें नहीं आ पा रही है, मुड़ जा रही है, तो मैंने कहा चलो आप आज दूसरी जगह बैठ जाओ। तो इनको यहाँ पे विराजमान कर दिया है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, पर आप लोग नज़र नहीं लगाना, इनको नज़र भी लग जाती है। और ये रहा इनका सिंहासन यहाँ पे, तो जब ड्रेस चेंज करूँगी, अभी तो नहीं करूँगी, आजकल तो मौसम अच्छा हो गया है, अब इसी ड्रेस में बैठे रहेंगे शाम तक, और रात में जब नाइट ड्रेस पहनेंगे तभी इनकी ड्रेस चेंज करूँगी। आज ऐसे ही बैठे रहो लड्डू, ठीक है? और इधर मैंने अपने मंदिर में ज्योत बत्ती जला दी है, तो ये है मेरे प्रभु जी, और एक माला छोटी सी मैंने ऊपर ऐसे लगा दी है, और यहाँ पे मैंने इनकी ज्योत जला दी है। तो ये रही माता रानी, अपने लड्डू गोपाल की भी मैंने आरती कर ली, फिर उसके बाद मैं मंदिर में आरती करी अम्मे मैया की, और कलश यहाँ पर रख दिया है। तो अब जाती हूँ मंदिर में, वहाँ पे माता के दर्शन करके भी आती हूँ, और एक नारियल मैं रोज़ चढ़ाती हूँ हर नवरात्रि में, मतलब तो नारियल चढ़ा के आ जाती हूँ। उसके बाद घर पर अभी बहुत सारा काम करना है, यानी कि जो लड्डू गोपाल को मैंने स्नान कराया उनके कपड़े भी वहाँ से आके ही दूँगी, और फिर लड्डू गोपाल का भोग भी मैं आके ही बनाऊँगी। अभी मैंने उनको केले दे दिए, मैंने कहा लड्डू तब तक केले खा लो, और फिर आके बनाती हूँ भोग इनके लिए। तो जाती हूँ फटाफट, आती हूँ जल्दी से। अम्मे माँ की आरती गाई जा रही है, और सभी लोग यहाँ पर एक एक करके माँ के आगे जा रहे हैं आरती उतारने के लिए, तो मैं अभी पीछे खड़ी हूँ, मैं थोड़ी देर में जाऊँगी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, और सामने से वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें वीडियो में आना पसंद नहीं होता, और तो मैंने कहा चलो पीछे से ही थोड़ी सी आरती भी गा लेती हूँ और थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए थे आरती के टाइम पर, ज़्यादा आ गए थे, पूजा के टाइम पर कम थे, तो ये लगाए जा रहे हैं जयकार। तो मंदिर से मैं आ गई हूँ, हाय हाय मेरे बाल कैसे हो गए, ये पल्ला रखा था ना मैंने वहाँ पे, और ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही बैठ गई वीडियो बनाने। घर पर भी रखा था ऐसे पल्ला, पर वहाँ से आते ऐसे आई हूँ, बाल मेरे आगे से हो रखे हैं पूरे, बताओ लोग भी बोलोगे क्या पगली सी है। तो वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर पूजा हो रही थी, थोड़ी देर वहाँ पर पूजा में बैठ गई, और पिछले साल भी गई थी तो पिछले साल भी पूजा हो रही थी वहाँ पर, तो अच्छा लगा, जो सामने मतलब प्रज्वलित की गई अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लग गया, यानी कि एक घंटा वहाँ पर लग गया, थोड़ा पूजा मैंने वैसे करी, जल चढ़ाया, सभी देवी देवताओं के दर्शन करे, फिर पूजा में बैठ गई। तो घर पर आके अब थोड़ा बहुत काम धाम थोड़ा करना है, और यहाँ पर मैंने आम के पत्ते रखे हुए का तोरण बना के अपने गेट पर लगा देती हूँ, और थोड़ी सी तो कलश पे लगा दिए, जो बचे हैं मैं कह रही वेस्ट क्यों करने, इनको अभी लगा देती हूँ यहाँ पे,
गेट पर बांध देती हूँ, क्योंकि आम के पत्ते तो शुभ माने जाते हैं, फिर आजकल त्यौहार के दिन है तो अच्छी बात है। ये लगा दिया मैंने तोरण आम के पत्तों का, एक फूल लगा दिया बीच में और ये बांध दिया यहाँ पर। ये ना थोड़ा सा नीचे होने चाहिए, यानी कि जब हम अंदर बाहर जाएँ हमारे सर पर टच होना चाहिए, पर मेरे सर पर तो नहीं हो रहा टच, मेरे को थोड़ा सा ऐसे पैर ऊँचे करने पड़ेंगे। और इसको सर पर टच करने का मतलब यह है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा, मतलब ये भगवान के नाम से लगाया जाता है तो भगवान जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा, और बुरी हवा बुरी नज़र जो भी होते हैं उससे भी ये बचाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे करके लगाते हैं। तो हमने ऐसे लगाया है, पर ये है ना हमारा गेट जो है ऐसे अंदर को ये बंद होता है, तो ये अंदर की साइड कर रखा मैंने, अगर बाहर की साइड करूँगी तो दरवाजे के साथ ना ये पीछे चले जाएगा, ऐसे गेट के साथ इधर को चले जाएगा, तो मैंने गेट के इधर कर दिया, जब दरवाजे बंद कर रही हूँ तो ये अंदर आ जा रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो ये ऐसे करके पैर ऊपर करके जाएंगे तो अभी ये हमारे सर पर टच हो जाएगा। अभी टाइम हो गया है, पौने एक हो गया है, तो थोड़ा सा आराम करूँगी थोड़ी देर में। सोना तो नहीं चाहिए, सोऊँगी नहीं, क्योंकि रात के दिन कहते हैं सोना नहीं चाहिए दिन में मतलब, और शाम को फिर जल्दी करूँगी अपना जोत बत्ती भी करनी होती है, क्योंकि आजकल जल्दी से रात हो जाती है, तो जोत बत्ती करके फिर खाने पीने का जो भी बनेगा वो करना है, क्योंकि बेटे का भी है नवरात्रा, तो मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो चल जाएगा, फिर बच्चे के लिए करना पड़ेगा, बच्चा मतलब मेरा बच्चा है, वैसे बच्चा तो नहीं है छोटा। और थोड़ा सा आराम करके फिर बनाऊँगी बाल। ये देखो ना बाल कैसे हो गए, मेरे छोटे छोटे बाल जो है बहुत ज़्यादा, बड़े बाल जो हैं वो झड़ते हैं और छोटे छोटे बाल जो हैं आ जाते, पर ये वैसे तो अच्छी बात है, क्योंकि हेयर लॉस उसे बोला जाता है कि बाल तुम्हारे झड़ रहे हैं उसके बाद नए बाल आ ही नहीं रहे, लेकिन मेरे छोटे छोटे बाल आते जाते हैं और बड़े बाल जो हैं झड़ते जाते हैं, तो इसे हेयर लॉस नहीं बोलते हैं, इसका यह है कि कुछ तो दिक्कत है जिसकी वजह से हमारे बड़े बाल जो हैं वो झड़ रहे हैं, पर यह है कि छोटे बाल आ रहे हैं, सर गंजा नहीं हो रहा इतनी इसकी ठीक है, मतलब ये वाला वैसे तो झड़ने नहीं चाहिए, झड़ रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत है, पर यह है कि छोटे छोटे बाल आ रहे हैं तो गंजे नहीं हो रहे भाई। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि गंजे हो गए हैं, लेडीज़ भी, पहले तो मैंने नहीं देखी थी, होंगी पहले भी, क्योंकि लेडीज़ों का जो है बाल लंबे होते हैं ना तो वो ढक लेते हैं अपने सर को ऐसे, लेकिन अब मैंने अपने सामने अपने आँखों के आगे बहुत सी लेडीज़ को देख लिया है कि जिनका यहाँ पर गंजा हो गया है, या तो इधर से गंजे हो गए या कहीं से भी गंजे हो जाते हैं बहुत, पर क्या कर सकते भाई, अपने हाथ की तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी बीमारी हो सकती है किसी को भी, कोई पता नहीं है। तो आज मैंने पीली साड़ी पहनी है, इसका ब्लाउज जो है मैरून कलर का है, इसमें रेड दिखाई दे रहा है, ये पल्ला इसका ऐसा है, तो ब्लाउज भी मैरून कलर में ही है। आज के दिन पीले कपड़े पहनने को कहा गया है। वैसे तो मैं जब भी हमारे घर में कोई पाठ पूजा होती है या फिर कोई त्यौहार के दिन हो तो मैं पीले या लाल कलर में साड़ी पहनूँ, सूट पहनूँ, वही पहनती हूँ, पर अब नया दौर नया ज़माना है और आज के ज़माने में लोगों के पास कपड़े की भी कमी नहीं है, तो अब कहते हैं कि पहले नवरात्रे में पीला कपड़ा, पीली साड़ी, पीला सूट जो भी है, और दूसरे नवरात्रे में हरा कलर का कपड़ा पहनना है, यानी कि साड़ी सूट आप जो भी पहने, तीसरे नवरात्रे में ग्रे कलर का, चौथे नवरात्रे में नारंगी कलर का, और पाँचवें नवरात्रे में सफ़ेद कलर के, छठे नवरात्रे में रेड कलर के, सातवें नवरात्रे में नीले कलर के, आठवें नवरात्रि में गुलाबी कलर के, और नवें नवरात्रि में बैंगनी कलर के। तो इतने रंग बोले गए हैं कि अलग अलग नवरात्रे के दिन इस कलर में आपने कपड़े पहनने हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है जो भी कलर हैं महिलाओं के लिए ही हैं, क्योंकि पुरुषों के पास ना तो इतना टाइम है और वो पहन भी नहीं सकते इतने कलर के, क्योंकि उनके पास होते भी नहीं हैं। मैं अधिकतर पुरुषों की बात कर रही हूँ कि उनके पास इतने कपड़े नहीं होते हैं और उन्हें शौक भी नहीं होता, पर ठीक है, माता के आजकल त्यौहार चल रहे हैं, माता का दिन है तो महिलाओं को सजना चाहिए, संवरना चाहिए। आपके पास ऐसे कलर में कपड़े हैं, होते हैं आजकल की महिलाओं के पास, तो सबके पास हैं, तो आप ज़रूर सजें संवरें, माता को मनाएं, और जिस जिस कलर में कपड़े बताए गए हैं, वस्त्र जो भी है, साड़ी पहने, सूट पहने, उन वस्त्रों को आप ज़रूर पहनें, क्योंकि ये त्यौहार माता के लिए है और माँ को मनाने के लिए हम महिलाओं को सजना संवरना चाहिए, अच्छी बात है, जो महिलाएं सजती हैं संवरती हैं अच्छी बात है, सबका अपना अपना पसंद है। एक बात मैं आजकल के बच्चों के बारे में कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो जब व्रत करते हैं से बच्चे, उसमें मेरा बेटा भी है, व्रत के दिन वो पानी तक पीना पसंद नहीं करता, पर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पेट में एसिड बनता रहता है दिन रात,
तो उसके लिए हमें कुछ खाना पीना ज़रूरी है, क्योंकि भाई हम इतने महापुरुष तो हैं नहीं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लें। तो बाहर भी जाना होता है, ऑफिस में काम करना, चलना फिरना कुछ भी करना पड़ता है। तो सूखे बिल्कुल ना रहें, अगर आप फल भी नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन पानी पिए और पानी को एक घूंट मुंह में लेके उसे बहुत देर तक अपने मुंह में घुमाएं, और उस पानी के साथ जो हमारे मुंह में लार बनती है वो हमारे पेट में जाएगी, तो वो पानी को भी पचाने का काम करेगी और जो एसिड है उसे भी कम कर दिए। तो ऐसा व्रत ना लें जिससे कि व्रत तो आप कर रहे हैं लेकिन शरीर का नुकसान होगा, ऐसा व्रत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब अपना शरीर है उसके बाद ही सब कुछ है। तो आप कुछ तो पहले खाएं, फल खाएं और पानी पिए, दूध पिए, कुछ तो पिए। चलो अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, बच्चे बोलते हैं व्रत किस बात का अगर हम खाते रहें, बात सही है वो भी। मैं कल बाज़ार गई थी तो लोगों को मैंने देखा भर भर के थैले, भाई पता नहीं कितने बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या लेके जा रहे थे, व्रत वाले चिप्स, मखाने, बादाम, किशमिश, काजू, पता नहीं कैसे पचाएंगे खाली पेट में, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा। व्रत का मतलब व्रत ही होता है। चलो सबका अपना अपना मन है, जैसा जिसको खाना है पीना है उनका काम है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।